सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का नया नाम अब मेटा होगा। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसका ऐलान किया। कुछ दिन पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही थी कि फेसबुक अपना नाम बदल सकती है। मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते हैं। वो इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं और एक ऐसी जहां फेसबुक को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदल कर मेटा कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी डेंगू के मरीज अचानक बढ़ने लगे। बताया गया कि हाल के दिनों तक हुई बारिश की वजह से मच्छरों को पनपने का मौका मिला, जिससे डेंगू ने अपने पैर पसार लिए। दिल्ली के बेहद पास गाजियाबाद में तो डेंगू, जिसे डेंगू भी कहा जाता है, उसके लक्षण वाले करीब 250 मरीज रोजाना जिला अस्पताल पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से अस्पताल में भारी भीड़ दिखी। कार्ड बनवाने के लिए परेशान मरीज बुखार होने के बावजूद कोरोना से बचाव के नियम तोड़ते दिखे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहां पर दिखाना चाह रहा हूं कि किस कदर लोग यहां पर गाजियाबाद जिले में बीमार हैं। जैसे ही 50 से 70 मरीजों के डेंगू के चपेट में आने की पुष्टि रोजाना होने लगी, अस्पताल प्रबंधन ने भी उसी हिसाब से वार्ड को तैयार कर लिया। मच्छरों से बचने के लिए सभी बिस्तरों पर मच्छरदानी के इंतजाम नजर आए और 30,000 से कम प्लेटलेट वाले मरीजों को गंभीर मानकर भर्ती किया जाता दिखा। डेंगू के मरीज जो हैं आते हैं 30,000 से कम प्लेटलेट वाले, तो उनका हम लोग वो कराते हैं। डेंगू वार्ड में वरिष्ठ डॉक्टर खुद मरीजों की सेहत पर तो नजर रखते दिखे ही, साथ ही इससे बचाव के बारे में भी बताते नजर आए, जिसकी वजह इस साल मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी बताई गई। देश भर से मिले एक आंकड़े के मुताबिक डेंगू ने इस बार बीते 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ऐसे आंकड़ों को जयपुर की हालत सही ठहराती दिखी, जहां सवाई मानसिंह अस्पताल में डेंगू के लक्षण के बाद मरीज पहुंचने लगे तो भीड़ लग गई। इलाज के लिए पर्ची बनवाने से लेकर जांच के लिए पैसे जमा करवाने वाले काउंटर तक पर लंबी लाइन नजर आई, लेकिन प्लेटलेट चढ़ाने और जांच में काम आने वाली किट की कमी से मुसीबत कम होती नहीं दिखी। जो एलाइजा टेस्ट होता है खासतौर पर डेंगू के लिए, उस किट की कमी है। कोरोना के बाद डेंगू के बढ़ते मामलों से अस्पताल पहुंचे मरीज और उनके तीमारदार भी परेशान नजर आए, जिसकी वजह पूरे देश के साथ ही राजस्थान में डेंगू की वजह से होने वाली मौत के आंकड़े बताए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में डेंगू के करीब 8,500 मरीज मिले, जिनमें 14 की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में डेंगू मरीजों की संख्या 1,000 को पार कर गई, जबकि उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा बताई गई। यही नहीं, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का आंकड़ा तो और डराने वाला दिखा, जिसके मुताबिक इस साल सितंबर तक ही देश में डेंगू के 60,112 मरीज मिल चुके हैं, जबकि सितंबर के बाद भी बारिश होने से डेंगू के मरीज बेतहाशा बढ़ गए। डेंगू से बचने के लिए मच्छरों की रोकथाम और उससे बचने की जरूरत बताई गई और डॉक्टरों ने डेंगू होने पर डरने की बजाय अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, पेशाब जो है वो सामान्यतः जो है वो ठीक आना चाहिए, पानी जो है वो अपना लेते रहें। कोरोना महामारी के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जैविक हथियारों को नया खतरा बताया और इनसे निपटने के लिए नई रणनीति बनाने पर जोर दिया। बायोलॉजिकल रिसर्च हैज लेजिटिमेट साइंटिफिक पर्पसेस, इट्स ड्यूअल यूज एप्लीकेशंस कैन बी मिसयूज्ड। द डेलिबरेट वेपनाइजेशन ऑफ डेंजरस पैथोजेंस इज अ सीरियस कंसर्न। दिस हैज हाइटेंड द नीड टू बिल्ड comprehensive national capabilities in biodefense, biosafety and biosecurity. अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल के हर